अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मेरे साथ आज एक ग्रोवर हैं जो फ्रूट मंडी शोपियान में अपना माल पिछले 15 साल से ला रहे हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा हमारी फ्रूट मंडी शोपियान में। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। सर, सबसे पहले हमें बताइए आप कहाँ रहते हो? मैं सफा नगरी जैनापुरा रहता हूँ। सफा नगरी जैनापुरा में आप रहते हो, कितने साल से आप यहाँ पे अपना माल लेके आ रहे हैं? 10-15 साल। 15 साल से लेके यहाँ माल लेके आ रहे हो। अगर हम बात करेंगे सफा नगर जैनापुरा से आप आते हो, आपके पास कुछ चंद मंडियाँ नजदीक में पड़ती हैं, पुलवामा पड़ती है, रेबन से एक मंडी पड़ती है, कुलगाम की मंडी पड़ती है आपको, तो क्या सोच के आपने हमारी इस मंडी जो फ्रूट मंडी शोपियान है, मेगा फ्रूट मंडी शोपियान, साउथ कश्मीर की सबसे बड़ी मंडी और J&K की सबसे दूसरी बड़ी मंडी है, क्या सोच के आप यहाँ माल लाते हो? एक्चुअली यहाँ तो हम अपनापन समझ कर ये यहाँ माल बेचते हैं और माल बेच कर अच्छे रेट में बेचते हैं। ये हमें 15 साल से पता है। 50-60 रुपये, 60 रुपये, 80 रुपये, बाकी मंडियों से तेज़ ही बिकता, कम नहीं बिकता है। मुझे 10-15 साल का यहाँ तजुर्बा है। मैं बेंगलोर माल बेचता था, मैं पंजाब माल बेचता था, मैंने वो मंडियाँ छोड़ दी। अब मैं यहीं सारा माल इधर ही लाता हूँ, लेकिन रेट अच्छी मिलती है और पैसे भी अपने टाइम पर मिलता है। हम इनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, पैसों की होती नहीं है। जिस टाइम पैसे मांगे वो पैसे भी देंगे और रेट जो 10-50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, बाकी मुंडियों से ठीक ही बिकता है, कम नहीं बिकता है। मैंने हर जगह ट्राई की है, ट्राई करके मुझे पता लगा है यहाँ ही सबसे ज़्यादा अच्छी मंडी यही है। सही बात है आपकी, आप कह रहे हो सबसे अच्छा मार्केट यहाँ पे है, बाकी मंडियों से 50-60 रुपये ज़्यादा हमारी इस मंडी में मार्केट है। आप कह रहे हो बेंगलोर भी हमने माल भेजे हैं और भी स्टेशनों में माल भेजे हैं। सर, मेरा आपसे एक ये सवाल है कि जो अक्सर लोग क्या करते हैं, हम जब वीडियो बनाते हैं मंडी में, अगर हमारे पास उस टाइम कोई लाट आता है वो 900 का बिकता है, हम लोगों को कहते हैं कि ये माल 900 में बिका है, कुछ क्या करते हैं, कुछ मुनाफाखोर, कुछ खुदगर्ज लोग क्या करते हैं कि वो ये करते हैं कि अपना माल जो है पहले तैयार नहीं होता है, फिर तुड़ाई करते हैं, फिर मंडियों में बेचते हैं, फिर जब जाके यहाँ जाके वो माल यहाँ पहुँचता है तो वो 700-600 के माल होते हैं। आढ़ती बेचारा 600-700 पे वो माल बेच देता है, फिर वो बंदा आके हमारे आढ़तियों को यहाँ पकड़ता है। हमने कल वीडियो में देखा 900 के माल हमने बेचे हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहोगे? मेरी बात सुनो, एक बात है, ग्रोवरों में भी बेईमानी होती है। कुछ ग्रोवर ऐसे भी जो सैंपल लाते हैं और माल जो बिकता है वो तेज़ बिकता है, लेकिन जब देखते हैं बाद में वो माल उस माल का नहीं होता है, ये भी बेईमानी आ गई है लोगों में, आ गई है ग्रोवरों में, आ गई है। बिल्कुल सही बात है, मैं बताता हूँ। नमाज पढ़ के, रोज़े धर के, सब कुछ करके फिर सैंपल लाते हैं यहाँ, मार्केट ख़राब करते हैं, ये मत मानो। दूसरी बात है, आरतियों में भी ये गलती है, वो कोई 10 पेटी का लाट होता है वो 800 का माल होता है, वो 950-950 बेचते हैं लेकिन वो 800 का माल होता है, वो उसको बोलते हैं कशीस, मुंडी की जबान में सिरा निकालने, वो सिरा निकालने के साथ उसका सबों का सिर निकलता है। माल जो हो अगर 800 का 800 बेचो, 820 बेचो, बुनी 800 बेचो, जो माल 800 का है वो 820 बेचो या 800 बेचो, वही बेचो, 900-950 का मत सिरा मत निकाल। और भी आपसे मेरा एक सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों की ना ये एक शिकायत रहती है कि मंडी वाले आरती गलत करते हैं। कुछ लोगों को मेरी ये बात कड़वी लगेगी, मगर इसमें आपको ये बात कहना चाहूँगा कि मान के चले चलो इसने गलत किया, आज जुर्माना है, आज हर बंदे को पता है कि कौन सी मंडी में क्या रेट चल रहा है, अब आरती भी कितना गलत करेंगे, ये उनको भी देखना होता है कि आज सब कुछ लाइव है, आज आप फोन हाथ में, आपके फोन है, आप पूरी इंडिया की अगर हम बात करेंगे या पूरे ऑल इंडिया की बात करेंगे, पूरी दुनिया की बात करेंगे, सब आपके फोन के सामने है, कहाँ मंडी में क्या माल बिके हैं। इन लोगों को कुछ चंद लोग बदनाम करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी सी आप उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहोगे कि बिना वजह आप किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो, मंडियों में माल भी वही बेच रहे हैं, मंडियों में इल्ज़ाम भी वही लगा रहे हैं? बिल्कुल सही बात, सबको ज्ञानदारी से काम करना चाहिए, बेईमानी में काम नहीं करा, चाहे वो आड़ती हो चाहे वो ग्रोवर हो, सबको अपने मतलब हिसाब से। अगर हम नमाज पढ़े, नमाज में क्या, खुदा से मदद मांगते हैं, पेटी से मदद मांगो, जो अपना हक है वही ले लो, जो माल सही है वही भेजो, बेईमानी मत करो, चाहे वो आड़ती हो चाहे वो ग्रोवर हो। हमारे मंडियों से बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, जो है ना बहुत लेबर क्लास इन मंडियों के साथ, जब से मंडी अब आई है पूरे वैली के अंदर, जो नया एस्टेब्लिशमेंट मंडियों का हुआ है, तो बहुत सारा जो लेबर क्लास हमारा है, चाहे वो अगर हम मैं शोपियान की अगर बात करूँगा, यहाँ पुंछ से भी आते हैं लोग, राजौरी से आते हैं, शोपियान से भी आते हैं, कुलगाम से भी आते हैं, अनंतनाग से भी आते हैं, पुलवामा से भी आते हैं, क्योंकि उनको सारे साल इस पर नज़र रहती है कि मंडी के अंदर माल आना शुरू हो चुका है कि हम अपने रोज़गार जो चलाएँगे।
फिर भी हम अगर इनके ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगाएंगे कि तो ठीक बात नहीं है, मेरे हिसाब से ठीक बात नहीं है। ये भी अपनी तरफ से अपना पैसा लगाते हैं, अपनी मेहनत लगाते हैं, अपनी दिन रात लगाते हैं। ये सब आरती होने से पहले ही खुद में पहले ज़मींदार है, ये अपने घरों की ज़मीन छोड़ के हमारे लिए मंडियों में अवेलेबल रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी जो मंडियों में जो ये आते हैं और जो हमारे माल यहाँ आते हैं उनको अच्छे से अच्छे रेट प्रोवाइड करें। अगर ये मंडियाँ नहीं होती शायद आज हमारे माल भी उन्हीं 400-500 रुपये में बिक रहे होते। ये इन मंडियों की बरकत है, चाहे किसी को ये बात अच्छी लगे बुरी लगे, इन मंडियों की बरकत ये है कि जो माल हमारे पहले कुछ सालों पहले 400-500 के बिक रहे हैं, जब से ये मंडियाँ कश्मीर में आई है तब से जो हमारे माल है हमने 1000 के भी देखे हैं, 1200 के भी रेट देखे इन मंडियों की वजह से। ये इस बात से आप इत्तेफाक करते हो कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। जब 2016 में यहाँ मंडियाँ बंद हुई, सत्यानाश हो गया माल का, सारा नॉर्थ इंडिया में माल गया, उन्होंने जो मर्जी आला वो रेट लगाया, ये उस वजह से यहाँ का माल के सत्यानाश उन दिनों हो गए। कोई जहाँ बेचता था वहाँ बेचता, वो माल सही रेट नहीं आता था। इन लोकल मंडियों की वजह से मार्केट सही बन गया, वो कंपटीशन रह गया। जो बाहर वाले माल बेचते हैं वो भी देखते हैं कि लोकल मंडियों में जब 800 रुपये माल बिके मैं कैसे 700 बेचूँ, उसको 900 बेचना है, उसको इसका खर्चा भी देखना है, उसका किराया भी देखना है। उस वजह से उनमें डिफरेंस आ गया, मतलब उनको भी सोचना पड़ा। जो बाहर के आड़ती लोग हैं उनको भी ये समझ आ गए कि जब लोकल मंडी में 700 बिकेगा यहाँ तो 800 बिकना चाहिए, अगर 800 वहाँ पे यहाँ 900 बिकना चाहिए, उनको इसमें डिफरेंस में फर्क आ गया। इससे लोकल मंडियों से बहुत कुल मिला के जो है मंडियाँ हमारे बहबूद के लिए अच्छी रही, हमारे मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रही। खासकर मैं पर्सनली आपको ये क्या बात कहना चाहता हूँ कि जब से ये मंडियाँ आई है तब से लोगों ने है ना पैसों का मुँह भी देखा है। वो क्या करते थे किसी भी स्टेशन में माल जाके उनको पता नहीं था वहाँ हमने बेचा किस रेट का, हमें वापस फिर मिलेगा किस रेट का। यहाँ पर क्या होता है कि जो मंडी में आरती माल बेचता है आज बंदा साथ होता है, अपनी आंखों के सामने भी बेच सकता है, चाहे अब वो अवेलेबल भी नहीं रहता है तो एक मार्केट के हिसाब से उसको पता चलता है कि मार्केट की पोजीशन क्या है, मुझे मार्केट की पोजीशन के हिसाब से रेट ठीक मिला कि नहीं। बिल्कुल सही बात, रेट सही मिलता है, अपने सामने बेचता है, ग्रोवर खुद साथ आता है, गाड़ी के साथ आता है, यहाँ खुद बेचता है, उसको पता है मेरे मन क्या माल भरा है, मेरी रेट क्या आ गई। जब बाहर बेचेगा तो उसको पता नहीं होता, 8 दिन के पता है, 8 दिन के बाद पता भी नहीं लगता क्या बिका है। यहाँ लोकल में खुद बेचेगा, खुद मेरा माल क्या भरा है, मैंने क्या भरा है, ये 800 का 900 का उस हिसाब से बेचेगा। बाहर जो जाएगा तो उसका पता नहीं होता, वो तो उनके रामकरम पर होता है, राम भरोसे जाता है वो माल, उसका क्या पता। मुझे पता, मैंने 35 साल से काम किया, मैं 92 में बेंगलोर माल बेचता था, उन दिनों यहाँ से कोई माल नहीं बेचता था, उन दिनों मैं ही माल बेचता था। आप वहाँ मालूम करो बेंगलोर मंडी में अपना नाम है, लेकिन वहाँ उससे बेहतर सबसे बेहतर, उससे 1000 गुना बेहतर हमारी यहाँ अपनी मंडी है। फिर यहाँ से जो हमारे जो एक्सपोर्टर है वो कहाँ बेचते हैं? फिर दूसरी बार मैं इस मंडी में माल 15 साल से बेचता हूँ, पैसों की कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को।